एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर के आई हूँ जो आपके जिन लोगों के बालों को बहुत ज्यादा जो इन लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा रफ हो गए हैं, या जो केमिकल जो लोग ज्यादा यूज करते हैं, केमिकल वाली डाई या कलर वलर जो भी आप लगाते हैं, उससे क्या होता है, बाल तो आपके अच्छे हो जाते हैं कलर लगाने से, लेकिन क्या होता है, बालों में कलर चढ़ता है लेकिन बाल आपके बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है, ये हेयर रीग्रोथ मास्क है, और ये मास्क भी कह सकते हैं, और इससे बालों को कलर भी आता है। मतलब ये क्या है, इसमें आपके बाल व्हाइट नहीं होंगे, और आप जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा व्हाइट हैं तो उन लोगों के व्हाइट होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, एकदम ब्लैक तो बाल ब्लैक नहीं होते, जिन लोगों के बाल व्हाइट हैं वो व्हाइट होने की स्पीड रुक जाती है। तो इसमें मैं आज आपको दिखा देती हूँ, ये हेयर रिग्रोथ मास्क है, ये मैंने ऑनलाइन लिया है और गो नेचुरल के नाम से है ये, और GN, तो ये बहुत ही GN करके आप अगर सर्च करोगे अमेजोन में तो आपको ये मिल जाएगा, और इसमें इतनी सारी हर्ब्स हैं, और ये बिल्कुल एकदम जो भी चीजें हैं इसमें बिल्कुल एकदम प्योर हैं। तो क्योंकि मैंने इसको यूज किया है तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि जो चीजें इसमें हैं तो वो जब कभी मुझे मेरे बालों में कभी मुझे कोई प्रॉब्लम लगती है तो मैं कभी कभी मास्क घर में बनाती हूँ जैसे, तो बिल्कुल मुझे ये वही चीज लगी है सेम जो मैं खुद घर में बनाती हूँ। तो इसमें आंवला है, शिकाकाई है, नीम है, नागर मोथा, नाग केसर, मेथी, कलौंजी, भृंगराज और ब्राह्मणी और मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी तो आपको पता है, पहले भी लोग मुल्तानी मिट्टी से हेयर वॉश करते थे और बाल बहुत कम व्हाइट होते थे, और बालों को कभी साबुन नहीं लगाते थे जो लोग, तो उनके बाल गिरते भी बहुत कम थे। और इसमें कलौंजी आपको पता है, और मेथी, मेथी तो बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों को वैसे ही गिरना उससे बंद हो जाता है। तो ये हेयर जो हेयर रिग्रोथ मास्क है बहुत अच्छा है, आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा। और आजकल मैं, क्योंकि मैं जब कोई चीज यूज करती हूँ तभी मैं उसका उसके बारे में लोगों को बताती हूँ। तो और ये इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, ना आपको कोई ज्यादा देर तक पानी घोलने की उबालने की कोई जरूरत है, और ये क्या है, आपको सिर्फ एक चम्मच लेना है, ये देखिए, आपको इससे ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं तो वो क्या है, वो पानी सोख लेती हैं। अगर आप इसको अभी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ करके इसको कैसे करना है, इसमें सिंपल पानी डालना है आपको, ये देखिए सिंपल पानी डालना है, और पानी की क्वांटिटी इसमें ज्यादा रखनी है। अगर एक चम्मच के करीब आपने ये मास्क लिया है तो इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखनी है, क्योंकि ये क्या है, पानी सोख लेगा, क्योंकि मेथी है, मेथी फूल जाती है, और जो मुल्तानी मिट्टी है आपको पता है कि वो कितना ज्यादा पानी लेती है, सोखती है वो। तो इसको आपको कम से कम भी 15 मिनट, 10 या 15 मिनट पहले इसको रेडी करना है, क्योंकि अभी जैसे ये पतला दिख रहा है ना आपको, तो ये आपको पतला नहीं लगेगा, ये थोड़ी देर के बाद ही आपके बालों में इतना एकदम टाइट हो जाएगा, ये सोचिए, और इतना टाइट मास्क आपके बालों में नहीं लगेगा, क्योंकि ये मास्क है तो इसको आप ब्रश से लगाओगे, और इसको 1 घंटा लगाना है। और आपको देख, जिन लोगों के बाल बहुत स्पीड में गिर रहे हैं, जिन लोगों के बाल बहुत स्पीड में व्हाइट हो रहे हैं, तो ये उन सब चीजों को एकदम से वो रोक देगा ये। और इसको आप 2 से 3 बार लगाइए, और अगर आपका एक भी बाल उतर जाए, आपका एक बाल भी सिर से नहीं गिरेगा, क्योंकि उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बाल गिरने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा व्हाइट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें आंवला है, तो आंवला आपको पता है बालों को व्हाइट होने से रोकता है, बालों को काला करता है। तो इसमें ना कोई केमिकल है और ना इसमें कोई, इसमें ऐसा मेहंदी है कि बालों को कलर करेगा, लेकिन बालों को ये काला करेगा अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो, क्योंकि और 1 घंटा लगाना है। तो अगर आप इसको मास्क समझ के ही 1 घंटा लगा लेते हो जब भी हेयर वॉश करते हो, तो आपके बाल व्हाइट होने भी बंद हो जाएंगे और बाल गिरने भी, देखिए अब कितना पतला था ना, अब कितना टाइट हो गया है। तो इसको क्या करना है, इसको पतला ही रखना है, क्योंकि पतला रखने से क्या होगा, अभी इसको 2 मिनट भी नहीं हुए हैं, तो इसको कम से कम भी 10-15 मिनट रखना है, ये फिर से टाइट हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको क्या करना है, ब्रश से लगाना है, इससे एक आप 2 बार 2 से 3 बार यूज कीजिए, आपके बाल डेफिनेटली गिरने बिल्कुल बंद हो जाएंगे और बाल व्हाइट होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके बालों को व्हाइट होने से रोकती हैं। और आप जो जो हर्ब्स इसमें हैं, अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको बिल्कुल बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं, पर अगर आप ये हेयर रिग्रोथ मास्क ले लेते हो तो इसमें सब चीजें हैं, और सब चीजें एकदम इसमें एकदम प्योर चीजें हैं, क्योंकि मैंने जो घर में बनाया है तो मैंने जो मुझे वैसा लगा सेम ये बिल्कुल वैसा ही है, तो क्योंकि यूज करते हैं तो पता चल जाता है। तो बहुत अच्छा ये मास्क है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, और ये बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और जिन लोगों के छोटे बाल है, जैसे आजकल बच्चों के बाल बहुत गिर रहे हैं, तो बाल धोने से भी अगर 15-20 मिनट पहले बालों में हल्का सा लगा दोगे तो, और फिर हेयर वॉश करोगे, तो उससे क्या होगा ना, आपके
हेयर बच्चों के बिल्कुल गिरने बंद हो जाएंगे, तो बच्चे जैसे सुबह स्कूल जाते हैं तो लगाना पॉसिबल नहीं होता है, पर संडे के दिन आप जरूर लगाइए और आप देखना 1 से 2 से 3 बार में आपके एक भी बाल नहीं गिरेगा और बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और बाल जिन लोगों के बहुत ज्यादा रफ हैं तो वो रफ भी बाल नहीं होंगे और बालों को बहुत ज्यादा ये आपके बालों को हर चीज से प्रोटेक्ट करेगा। आपकी जैसे जिन इसमें नीम है तो नीम बालों में जो जिन लोगों को इचिंग हो जाती है, तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है ये उसके भी काम आता है, तो ये बहुत सारी चीजों में आपका ये मास्क काम आएगा। तो आप इसको जरूर ली, और ये ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे ओ डाई मैं बताती हूँ तो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन नहीं मिली है, पर ये मुझे बहुत आसानी से मिल गया, क्योंकि मैं जो चीजें खरीदती हूँ मैं दुकान से खरीदती हूँ, लेकिन वो ऑनलाइन देखती हूँ तो मिलती है, पर ये मैंने ऑनलाइन खरीदा है, ये मुझे बहुत आसानी से मिल गया है, तो ये बहुत ही अच्छा है और आजकल ये बहुत ज्यादा इसकी डिमांड भी है मैं देखती हूँ, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू।